मध्य प्रदेश के सीहोर में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 25 साल की बच्ची को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसे एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वहाँ पर पता चलेगा क्या स्थिति है। हमें जितनी मेहनत हो सके हमने उतनी मेहनत करके निकालने की कोशिश की और निकाला है। तो बच्ची का रिस्पॉन्ड कर रही है अभी? देखिए, अभी जब निकाला तब तो वो बेहोश थी, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, लेकिन आगे तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। अच्छा, आप क्या कर रहे थे? आपने किस किस जी? मेरा रोबोट था, बोरवेल रेस्क्यू रोबोट, तो उसके साथ हम डेटा के साथ में NDRF और आर्मी के साथ में मिलकर रेस्क्यू कर रहे थे। अच्छा, तो रोबोट ने रोबोट और रोबोट का जो डेटा था, एनालिसिस किया हुआ डेटा और रोबोट का डेटा साथ में आर्मी और NDRF की मदद से बाहर लेकर आए। बच्ची की एक बार स्थिति प्लीज, क्योंकि देखिए अनकॉन्शियस थी, मैं इतना बता सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं बता सकता मैं। नहीं तो डॉक्टर ने तो देखा तो होगा ना, जैसी बच्ची, देखिए जैसे बच्ची बाहर आई, डॉक्टर ने लिया और तुरंत ही ऑन द स्पॉट एम्बुलेंस में बैठ के चले गई। इस रेस्क्यू में रोबोटिक एक्सपर्ट की टीम भी लगी हुई थी। बच्ची करीब 100 फीट की गहराई में फंसी हुई थी। बच्ची को बचाने के लिए सेना, NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें भी लगी हुई थी।